दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल इन बॉली मीडिया में। दोस्तों ऐसे ही अद्भुत और मजेदार वायरल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपने वीडियो तो देखी ही होगी, उसी के बारे में हम बात करते हैं। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। सोनीपत के बेटे मोहित का हौसला समाज के लिए एक प्रेरणादायी है। चलिए इन्हीं के बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये ट्वीट किया। वो लिखते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सोनीपत के बेटे मोहित का हौसला समाज के लिए प्रेरणादायी है। अब आपको बताते हैं मोहित की प्रेरणादायी कहानी। सोनीपत के रहने वाले मोहित के संघर्ष की कहानी सभी के लिए प्रेरणादायी है। जब वो 11 साल के थे तो उन्हें हो गया था बोन कैंसर। इसकी वजह से उनका एक पैर काटना पड़ा। मोहित को बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग का शौक था। ऐसे में उन्होंने एक पैर पर ही बॉडी बिल्डिंग का फैसला किया। इसके बाद परिवार परेशान हो गया, पर मोहित ने अपनी बॉडी बिल्डिंग का शौक नहीं छोड़ा। मोहित ने 2010 में कृत्रिम पैर लगवाया, लेकिन साल 2015 में दूसरा पैर फिसलने के कारण कृत्रिम पैर भी गंवा दिया। उन्होंने अपना हौसला बनाए रखा और एक पैर पर ही चलने की प्रैक्टिस की। आज मोहित एक पैर से ही पूरा बैलेंस बनाकर चलते हैं। यहाँ तक कि बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भी हिस्सा ले चुके हैं। मोहित के इंस्टा के मुताबिक वो 10 बार मिस्टर इंडिया बन चुके हैं। मोहित की जिंदगी से लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे मोहित की कहानी सभी तक पहुंचे, सभी लोग इनके हौसले को देखकर अपना भी हौसला कायम कर सकें। और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें।